फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गौरव ट्यूटोरियल्स। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थवर्म के बारे में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे और मॉर्फोलॉजी समझेंगे अर्थवर्म की। अब जैसे कि आपको पता है कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हो तो आप दो चीज़ों को स्टडी करते हो। एक तो आप स्टडी करते हो एनाटॉमी और दूसरी आप स्टडी करते हो मॉर्फोलॉजी। दोनों में ही डिफरेंस आपको पता है कि एनाटॉमी में हम लोग इंटरनल कैरेक्टर को स्टडी करते हैं और मॉर्फोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को। तो इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग अर्थवर्म के एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की। तो जो सबसे पहला पॉइंट मैं अर्थवर्म के बारे में देखने वाला हूं बच्चों, वो क्या है कि इसका जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन। अब ये रेडिश ब्राउन कलर जो आया है अर्थवर्म का, ये किसकी वजह से आया है? क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है पोरफायरिन। ये पोरफायरिन जो है अर्थवर्म को हल्का सा रेडिश ब्राउन अपीयरेंस देता है। इसकी और ज्यादा अगर बात करेंगे हम लोग तो हमें पता चलता है कि ये अर्थवर्म जो है ये एक इनवर्टिब्रेट। दूसरा अगर मैं बात करता हूं तो इसकी जो बॉडी है वो कैसी है? सीलोमेट और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। जब आप सीलोमेट की बात कर रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा? इसके पास बॉडी कैविटी होगी। और आप ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करते हो तो इसके पास तीन जर्मिनल लेयर होंगे, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड फाइनली इसके पास कौन सा लेयर आएगा बच्चों? एंडोडर्म। तो दो जर्मिनल लेयर अगर होते हैं तो हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसे कहा जाएगा डिप्लोब्लास्टिक, और अगर तीन जर्मिनल प्रेजेंट होते हैं लेयर्स तो उसे कहा जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छी बात चल रही है अभी। अब देखिए, इसमें अगर आप और समझने की कोशिश करेंगे तो आप इन अर्थवर्म को ट्रेस डाउन कर सकते हो बाय मींस ऑफ वॉर्म कास्टिंग्स। वॉर्म कास्टिंग्स क्या होते हैं ना बच्चों? ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अर्थवर्म, जब ये किसी भी चीज को ईट करेंगे, जब खाएंगे, तो जो लेफ्ट ओवर ये लोग छोड़ते हैं, जो एक्सक्रीटा ये लोग छोड़ते हैं, उसे कहा जाता है वॉर्म कास्टिंग। ठीक है, अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम है फेरेटिमा पोस्तुमा। इसके अलावा ये हमें देखने मिलता है एक दूसरे जीनस में भी जिसका नाम है लुम्ब्रिकस। देखो बच्चों, जो अर्थवर्म होते हैं उनकी बॉडी होती है सिलिंड्रिकल, जैसे कि आप लोग यहां पे डायग्राम में देख सकते हो, सिलिंड्रिकल बॉडी है। इसके अलावा आपको पता था, आपने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था कि इनकी बॉडी को सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं और उन सेगमेंट्स को हम लोग बोलते हैं मेटामियर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? सेगमेंट का नाम है मेटामियर्स। ये बहुत काम की चीज है, इसे आपको ध्यान रख के रखना, इसे बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अब ये सेगमेंट्स कितने हो सकते हैं? सेगमेंट हो सकते हैं 100 to 120 सेगमेंट्स हो सकते हैं इसके अंदर। 100 to 120 सेगमेंट्स होने वाले हैं और ये पूरा जो इसका स्ट्रक्चर है ये इस सेगमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहने वाला है। हमको सब ये सेगमेंट्स को याद रख के रखना है बच्चों। चलिए, अब देखो, अगर मैं आपको अर्थवर्म देता हूं और आपको बोलता हूं कि आइडेंटिफाई करिए इसका डॉर्सल साइड कौन सा है और इसका वेंट्रल साइड कौन सा है, तो कैसे कर पाएंगे? तो जब आपको डॉर्सल साइड आइडेंटिफाई करना रहेगा, आप क्या देखोगे इसकी बॉडी के ऊपर? जब डॉर्सल साइड में देखे जाओगे तो आपको यहां पे एक मिड डॉर्सल मीडियल लाइन देखने मिलेगी। डॉर्सल साइड में आपको एक लाइन देखने मिलेगी रेड, डार्क रेड कलर की, और इसे कहा जाएगा मिड डॉर्सल मीडियल लाइन। कौन सी लाइन? मिड डॉर्सल मीडियल लाइन। उसी तरीके से अगर वेंट्रल साइड में आप बात करने लग जाओगे तो वेंट्रल साइड में आपको देखने मिलेंगे क्या बेटा? जेनाइटल पोर्स। क्या देखने मिलेंगे वेंट्रल साइड पर? वेंट्रल साइड पर आपको देखने मिलेंगे जेनाइटल पोर्स। अब दो अलग अलग टाइप के जेनाइटल पोर्स देखोगे आप, एक आप देखोगे मेल जेनाइटल पोर और दूसरा आप देखोगे फीमेल जेनाइटल पोर। ये मेल और फीमेल जेनाइटल पोर दोनों एक ही अर्थवर्म में देखने मिलेगा हमें, इसलिए हम लोग अर्थवर्म को क्या कहेंगे? हर्माफ्रोडाइट। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? हर्माफ्रोडाइट। इसका मतलब क्या होता है कि अर्थवर्म के अंदर दोनों सेक्स है, मतलब ये मेल और फीमेल दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने मिलेगा आपको। ठीक है, जो मेल्स का जेनाइटल ओपनिंग था वो था 18 सेगमेंट में और फीमेल की जेनाइटल ओपनिंग होती है बेटा 14 सेगमेंट में। तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे डॉर्सल और वेंट्रल साइड बच्चों। उसी तरीके से अब जब फर्स्ट सेगमेंट में ऑब्जर्व करूंगा मैं, तो फर्स्ट सेगमेंट को देखो, यहां पे मैंने ड्रॉ कर रखा है एकदम बढ़िया से, आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए,
जो फर्स्ट सेगमेंट होता है बच्चों, जो फर्स्ट सेगमेंट होता है उसे कहा जाता है पेरिस्टोमियम। क्या बोलते हैं उसको? पेरिस्टोमियम। इस पेरिस्टोमियम में आपको दो चीजें देखने मिलेंगी बेटा। एक आपको देखने मिलेगा ये वेज शेप प्रोस्टोमियम। कैसा? वेज शेप प्रोस्टोमियम। ये वेज शेप प्रोस्टोमियम क्या करने वाला है बेटा? ये जो है ये हमारे माउथ को प्रोटेक्ट करके रखेगा। एक तो ये क्या काम कर रहा है? प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? प्रोटेक्शन ऑफ माउथ। दूसरा ये क्या करेगा? मिट्टी को खोदेगा, इट विल डिग द सॉइल, ताकि हमारा अर्थवर्म आगे मूव कर सके। डिग द सॉइल। इसके अलावा ये एक सेंसरी ऑर्गन भी है बेटा। तो जो प्रोस्टोमियम है ये आपको देखने मिला कहां पर? फर्स्ट सेगमेंट में माउथ के ऊपर। इसके तीन काम, एक तो प्रोटेक्शन ऑफ माउथ है, दूसरा मिट्टी को खोदता है ताकि हमारा अर्थवर्म आगे बढ़ सके, और तीसरा ये बिहेव करता है सेंसरी ऑर्गन। चलो बेटा बहुत अच्छी बात है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब आपको ध्यान में क्या रखना, देखो यहां पे आप डायग्राम में देख सकते हो रिंग ऑफ सीटे। ये रिंग ऑफ सीटे क्या है ना, इनके पास होते हैं कुछ स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है क्या? सीटे। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? सीटे। सीटे क्या है? ये इनको लोकोमोशन में हेल्प करता है। क्या करता है? लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो ये देखो फर्स्ट सेगमेंट के अंदर एब्सेंट है, सेकंड, थर्ड, ऐसे करके सभी सेगमेंट में चलता जाएगा बेटा ये सीटा। सिर्फ एब्सेंट होगा कहां पर? एब्सेंट इन फर्स्ट, लास्ट एंड क्लाइटेलम रीजन। ये फर्स्ट, लास्ट में और क्लाइटेलम में एब्सेंट होता है। तो बेटा मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर क्लाइटेलम क्या होता है। तो बच्चों यहां पे डायग्राम में आप देख सकते हो 14, 15 और 16 में आपको एक स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है जिसे आप लोग क्या बोलते हो? क्लाइटेलम। क्या बोल रहे हो बच्चों इसको हम लोग? हम लोग बोल रहे हैं इसे क्लाइटेलम। क्लाइटेलम का मतलब क्या होता है बेटा? क्लाइटेलम एक ऐसी जगह है, ये क्या है? ग्लैंडुलर टिश्यू का बना हुआ है। कौन से टिश्यू का बना है ये? ग्लैंडुलर टिश्यू का बना हुआ। अब यहां पर जो इसका मेन फंक्शन रहेगा वो एसोसिएटेड होगा रिप्रोडक्शन के साथ में। क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन के बाद में जब फर्टिलाइजेशन होगा तब ये काम में आएगा बेटा। फर्टिलाइजेशन होने वाला होगा इस ग्लैंडुलर टिश्यू की वजह से। ठीक है बेटा, तो अभी हमने समझा क्या? क्लाइटेलम समझ लिया हमने, हमने ये समझ लिया सीटे जैसा कुछ समझा हमने, हमने पेरिस्टोमियम समझ लिया। अब आपको मैं बताता हूं क्या, अब मैं आपको बताता हूं स्पर्मेथिका के बारे में। किसके बारे में? स्पर्मेथिका के बारे में। जो स्पर्मेथिका होंगे बेटा, स्पर्मेथिका होंगे फोर पेयर में। कितने पेयर में? फोर पेयर में होंगे, और ये प्रेजेंट होंगे इंटर सेगमेंट। दो सेगमेंट के बीच की जो जगह है ना बेटा, ये देखो फोर्थ फिफ्थ में आपको दिख रहा है ये जगह, ये जो इंटर सेगमेंट हो गया, ये क्या हो गया? इंटर सेगमेंट। तो ये फोर पेयर आपको देखने मिलेगा फिफ्थ सिक्स में, सिक्स सेवन में, सेवन एट में और एट नाइन में। तो एक सेगमेंट फिफ्थ सिक्स में होगा एक पेयर, एक पेयर सिक्स सेवन में, एक सेवन एट और एक एट नाइन, कुल मिला के आपके पास चार पेयर हो जाएंगे। अब इन स्पर्मेथिका में आप लोग क्या देखने वाले होगे बेटा? स्पर्मेथिका के अंदर क्या होता है? स्टोर किया जाता है स्पर्म। क्या करते हैं? स्टोर्स स्पर्म। अब ये स्पर्म इस अर्थवर्म के नहीं होंगे, जब कॉपुलेशन होगा जो दूसरा अर्थवर्म आएगा उसके स्पर्म को स्टोर किया जाएगा बेटा यहां पे। ये हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे बेटा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सब अच्छा लगा होगा बेटा, ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। देखो हम लोगों ने क्या बात किया है, हम लोगों ने बेटा यहाँ पे बात किया है किसके बारे में? हम लोगों ने यहाँ पे बात की है अर्थवर्म के बारे में। अर्थवर्म देखो, अर्थवर्म जो होता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है बेटा। इसकी स्किन का कलर जो है पोरफायरिन के वजह से आया। इनवर्टिब्रेट नेचर है इसका। सीलोमेट होता है, मतलब बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है इसके पास में। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, जिसका मतलब क्या होता है? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, तीन जर्मिनल लेयर्स का बना है बेटा हमारा अर्थवर्म का स्किन। ये वॉर्म कास्टिंग की तरह ट्रेस किया जा सकता है। वॉर्म कास्टिंग क्या होते हैं बेटा? जब हमारा अर्थवर्म जब खाना खाएगा, मतलब मिट्टी और सड़े गले पत्ते खाएगा, तो वो जो एक्सक्रीटा बाहर निकालेगा उसको कहा जाएगा वॉर्म कास्टिंग। इसका साइंटिफिक नेम होता है फेरेटिमा पोस्तुमा। जिसके अलावा मैं देखता हूँ एक दूसरा जीनस भी है अर्थवर्म का, जिसका नाम है लुम्ब्री कस। बॉडी इसका सिलेंड्रिकल है और सेगमेंटेड बॉडी है, बहुत सारे सेगमेंट्स देखने मिलेंगे, इसलिए उन सेगमेंट को बोल रहे हैं मेटामियर्स। ये एनालिडा की मेन कैरेक्टरिस्टिक। तो सेगमेंट होते हैं वो 100 से 120 हो सकते हैं बेटा, ये याद रख के रखना। पहले सेगमेंट का नाम था पेरिस्टोमियम,
डॉर्सल में आपको देखो, अगर मैं आपको अर्थवर्म देता हूँ और आइडेंटिफाई करने बोलता हूँ कि बेटा इसको आइडेंटिफाई करोगे कौन सा डॉर्सल साइड है और कौन सा वेंट्रल साइड है, तो आप क्या करोगे, डॉर्सल साइड में आप ऑब्जर्व करोगे डार्क रेड कलर का आपको देखने मिलेगा मिड डॉर्सल मीडियल लाइन, और वेंट्रल साइड में आपको देखने मिलेंगे जेनाइटल पोर्स। तो जो जेनाइटल पोर्स है वो मेल और फीमेल के होंगे, दोनों होंगे, मेल का 18 सेगमेंट में होगा और फीमेल का 14 सेगमेंट में होगा। अब क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म में आपको मेल और फीमेल दोनों दिख रहे हैं, तो आप अर्थवर्म को क्या कह सकते हो, हर्मेफ्रोडाइट। इधर हमने समझाया आपको अर्थवर्म का जो फर्स्ट सेगमेंट है वो, ये जो फर्स्ट सेगमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टोमियम। इसके दो पार्ट है, एक तो माउथ और एक प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम जो होता है बेटा, वेज शेप स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, माउथ को प्रोटेक्ट करता है, मिट्टी को खोदेगा और हमारा जो अर्थवर्म है उसके लिए एक सेंसरी ऑर्गन की तरह बिहेव करता है। यहां पे आप देखो, देखो सेकंड थर्ड सेगमेंट में आपको रिंग जैसा कुछ दिख रहा है, इसे कहते हैं रिंग ऑफ सीटे। तो सीटे क्या होते हैं बेटा, ये लोकोमोशन में मदद करते हैं, लोकोमोशन में मदद करते हैं, या तो ये एक्सटेंडेड हो सकते हैं या तो ये रिट्रैक्टेड हो सकते हैं, मतलब या तो बाहर की तरफ निकलेंगे बॉडी के या बॉडी के अंदर ही रहने वाले होंगे बेटा ये लोग। ये सभी सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं सिवाय के फर्स्ट, लास्ट और क्लाइटेलम में। तो क्लाइटेलम जो है बेटा देखो, 14, 15 तो 16 सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं क्लाइटेलम। ये क्या थोड़ा सा मोटा होता है बाकी सेगमेंट्स के मुकाबले, और यहाँ पे आपको 14, 15 तो 16 सेगमेंट के बीच में आपको पार्टीशन नहीं देखने मिलता, कंटिन्यूस लेयर है, और ये बनता है ग्लैंडुलर टिश्यू का। इसका काम है फर्टिलाइजेशन में मदद करवाना। फिर हमने यहाँ पे 5th, 6th, 7th, 8th, 9th में इंटरसेगमेंटल सेप्टा में देखा था स्पर्मेथिका। स्पर्मेथिका स्टोर करता है स्पर्म को और प्रेजेंट होता है इन 4 पेयर्स, 5, 6, 6, 7, 7, 8 और 8, 9 सेगमेंट के बीच में बेटा। तो बच्चों ये जो था, ये था अपना अर्थवर्म का मॉर्फोलॉजी के बाद। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले होंगे एनाटॉमी ऑफ अर्थवर्म की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, एंड अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।